फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नता, वेलकम टू काली मिर्च। दोस्तों, इसके पहले काली मिर्च पर हमने धुनगार मेथड का इस्तेमाल करके लाल मांस की रेसिपी आपके साथ शेयर की है। क्या कभी आपने धुनगार का रायता खाया है? नहीं ना? तो चलिए आज बनाते हैं आपके बिरयानी के लिए बेस्ट एकम्पनीमेंट धुनगार का रायता। धुनगार का रायता हम बना रहे 3 से 4 लोगों के लिए। इसके लिए हम लेंगे 300 ग्राम दही, एक बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 4 से 5 कुटी हुई लौंग, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, स्वादानुसार नमक। धुनगार के लिए हम लेंगे 1 स्टील की कटोरी, 1 से 2 चारकोल पीसेस और 1 टीस्पून घी। रायता बनाने के लिए हमने एक बोल में दही डाल लिया है। आइए दही को विस्क कर लेते हैं। दही में डाल देते हैं नमक, नमक मिक्स होने के बाद डाल देते हैं प्याज, टमाटर, लौंग पाउडर, काली मिर्च पाउडर और इन्हें हल्के से विस्क कर लेते हैं। यह हमारा रायता तैयार है। आइए अभी धुनगार की तैयारी करते हैं। धुनगार के लिए हम गैस पे कोयला रख देंगे। और आंच हाई कर लेंगे। कोयले को हमें अच्छे तरह से लाल करना है। कोयला अभी अच्छे से लाल हो गया है। आइए अभी गैस बंद करके इसे कटोरी में ले लेते हैं। कटोरी को मैंने एक रायते पे रख दिया है। कोयले पे हम डालेंगे थोड़ा सा घी और बोल को हम एक प्लेट से ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। दोस्तों, हमारा धुनगार का रायता तैयार है। है ना काफी यूनिक रेसिपी? कोई भी स्पाइसी बिरयानी के साथ ये बहुत अच्छा एकम्पनीमेंट है। तो आप बनाइए इसे अपने घर पे और आपको ये रायता कैसे लगा हमें जरूर बताइए काली मिर्च पे smita.com पर। टिल देन कीप वॉचिंग, एंजॉय कुकिंग। बाय बाय।